हे यो व्हाट्सअप गाइस। सो गाइस आज के ब्लॉग का सीन ये है, आज आपको आपके भाई ने दिखाने हैं भेड़िए जैसे डॉग्स, लाइक भेड़िए की तरह दिखने वाले डॉग्स, यानी कि साइबेरियन हस्की। और आज आपका भाई आया है हरप्रीत पाजी के पास और पाजी का फार्म विजिट करवाएंगे आपको। लाइक मैं पाजी के पास बहुत बारी, पाजी की भी मैंने 2-3 वीडियो बनाई है, पहले भी बनाई थी, और मैंने सोचा आज पाजी के साथ ब्लॉग प्लान करते हैं। सो गाइस आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होएगा। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साथ में घंटा है ना घंटे को टर्न कर बजा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। सो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट करके ब्लॉग को शुरू करते हैं। अब है ना अंदर चलते हैं, ये देख लो स्टार्टिंग में हमारा प्यारे प्यारे साइबेरियन हस्की आगे वेलकम करने के लिए। हरप्रीत पाजी, पाजी कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। तो गाइस देख लो, पहचान लो बंदे को, लाइक मैंने बनाई है 2-3 वीडियो तो बनाई हुई है। तो पाजी कैसे हो, ऑडियंस को हेलो कह दो। हाँ जी नमस्कार जी सबको, जो भी भाई मेरे भाई का चैनल देखते हैं करण द ब्लॉगर, और ये हमारे आज पास आए हैं गुनियाना में, और इनको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं जो भी हमारे नए पेट्स हैं। और भाई थोड़ा सा बताइए डॉग्स के, बताइए डॉग्स कितने होंगे अभी फार्म पर? हमारे जी हैं 3 डॉग तो पहले थे, और एक नया स्टड लिया कोबरा। कोबरा? अच्छा हाँ, कोबरा जो है वो नया है। हाँ जी हाँ जी वो आया, वो अब आपको दिखाएंगे बाकी देखते हैं। और हमारे पास कुछ लिटर भी आए हुए हैं, और 2-3 फीमेल है हमारी अभी कंसीव है, और सभी बच्चे मतलब के पेपर अप्लाई भी किए हुए हैं बच्चों के केसीआई, और जो दूसरी फीमेल है कंसीव है वो भी केसीआई। ओके, और भाई थोड़ा सा बताइए टाइम, बताइए लाइक आपको कितना टाइम होगा, कितने टाइम से लाइक आप ब्रीडिंग कर रहे हो? भैया आपको पता ही है, पहले भी बता चुका हूँ, मेरे को हस्की फील्ड में नियर अबाउट 7 ईयर्स हो चुके हैं जी। ओके ठीक है, जो है हमारा भी हमारा कैनल का बच्चा सभी जगह पे जाता है, ऑल ओवर इंडिया बोल सकते हो। ओके ऑल ओवर इंडिया जाते हैं बच्चे। और रिसेंटली मैंने अभी जर्मन शेफर्ड और साइबेरियन हस्की वैंकूवर में भी भेजा है। ओके ठीक है। जर्मन शेफर्ड की तो नहीं कर रहे आप ब्रीडिंग? नहीं जर्मन शेफर्ड की नहीं है, वो मेरे फ्रेंड से लिया था, उन्होंने उनको दवाया था, मैंने जो पार्टी थी वो वैंकूवर से थी। ओके ठीक है। अभी कनाडा तक जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की ब्रीडिंग हो रही है। और हमारा जो ओरियो का बच्चा है एक साइबेरियन हस्की, इसका लड़का गया है वैंकूवर अभी। ओके ठीक है, वो हम गाइस दिखाते हैं। सो भाई ये आगे प्यारे प्यारे डॉग्स, और पाजी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए ये कौन कौन से आगे। ये जी जेंसी का बच्चा है, हाउलिंग सागा ब्लड लाइन है इसकी। ओके और ये जो है ये इगल आई कैनल में से आया था, इसका जो फादर है वुलीकोट बादशाह, जो उनके पास सबसे पहले का स्टड है। ओके वुलीकोट में ये उसका बच्चा है। ठीक है, लेकिन जो इसकी मदर थी वो थी जी स्टैंडर्ड कोट में, इसीलिए ये बच्चे कभी कभी प्रोड्यूसिंग इसकी इतनी बड़ी है, ये वुलीकोट बच्चे भी निकाल देते हैं। ओके ठीक है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर मार्किंग है, कोट वगैरह पूरा डार्क है, बहुत अच्छा है ये। ओके ठीक है, तो मैं अभी आप कैमरा पकड़ कर देखते हैं आप, और लाइक और कौन सा पारी हमें दिखाओगे? लाइक और दूसरा जो हमारा स्टड है जी वो वुलीकोट में है। ओके ठीक, और वो हमारा इंपोर्ट का बच्चा है जी। आ गया ओरियो, हमारा ओरियो देख सकते हो, ओरियो है ना पाजी? ओके ये थाईलैंड से इंपोर्ट कह रहे थे ना? ओके सो गाइस इसकी आईज देखो, आईज काफी ज्यादा प्यारी है इसकी, ब्लू आईज में है, साइबेरियन हस्की की आईज काफी ज्यादा प्यारी होती है। हाँ जी हाँ जी, लाइक ये आईज के कारण भी काफी ज्यादा फेमस हुए थे, और लाइक ये एक ना ये हाउल करते हैं, हाउल के कारण ये ब्रीड काफी ज्यादा चर्चा में आई थी, आईज और अपने हाउल के कारण। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ये हमारा हो गया जी बच्चा अभी नियर अबाउट 1.5 साल का। ओके ठीक है जी, और मीटिंग प्रोड्यूसिंग बहुत अच्छी करता है, बुली कोटी पाता है ज़्यादातर बच्चे। ओके ठीक है ठीक है जी, और ब्लू आइज में जी हमारा स्टार्ट, इसकी फीस हम 20,000 रुपया लेते हैं मीटिंग फीस भैया। ओके ठीक है, और भाई थोड़ा सा लाइक बताइए ये इसकी ब्लड लाइन, ये थाईलैंड से तो आपने कह रहे थे कि लाइक आपने थाईलैंड से मंगवाया है, तो थोड़ा सा बताइए इसकी ब्लड लाइन के बारे में बताइए, लाइक फेमस डॉग का है डॉग मतलब कैसे था? जो इसका फादर है जी वो मैम्बो है, और मैम्बो का जो फादर है थाईलैंड कैनेडा और अमेरिका चैंपियन है। ओके ठीक है ठीक है जी, ये बच्चा आया थाईलैंड से। ओके इसके फादर का बच्चा है, ये हमने कैनल से लिया था वहाँ से। ओके ठीक है, मतलब अच्छी ब्लड लाइन है पाजी के पास, जो डॉग्स हैं सारे अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, और बाकी आपके पास फीमेल भी है? हाँ फीमेल, जिससे हमने लाइक आपने कैनल की स्टार्ट की थी वो शैडो और रॉक्सी, वो हम देखते हैं गाइस आपको दिखाते हैं, शैडो और रॉक्सी दिखाते हैं, जो हमारी कैनल की सबसे पुरानी फीमेल है, जिसने हमको
ये सभी चीजें आप कैनल चेक कीजिए हमारा, ठीक है। ये सभी उनसे ही स्टार्ट किया है हमने भैया, और वो मैं आपको दिखाता हूँ शेडो और हस्क की बारी। प्यारी प्यारी शेडो कौन सी है भाजी? ये शेडो है जी, ये शेडो है, ठीक है। ये देख सकते हो, इस काफी ज्यादा प्यारी है। और ये रॉक्सी, ये रॉक्सी है, इसकी मदर है शेडो की, इसकी मदर है। लाइक सबसे पहले आपके पास थी ये रॉक्सी, बिल्कुल भैया, ठीक है। ये देखिए भैया स्टैक में, ये ठीक है, ये गाइस प्रॉपर स्टैक है, डॉग स्टैक, आप चेक कर सकते हो। लाइक ये बठिंडा में आपने शो भी इसको किया था ना? नहीं भैया, इसको मैं शो में बहुत कम लेके जाता हूँ। ओके ठीक है, जहाँ भी जाती है इसकी लड़की जाती है। अच्छा ठीक है, रॉक्सी है ना, ये शेडो। हाँ, रिसेंटली अभी डॉग शो हुआ था बठिंडा में, वहाँ पर भी मैंने शो की थी हमारी रॉक्सी की बच्ची शेडो, ठीक है। उसको बीओबी आरबीओबी और थर्ड बेस्ट इन शो थी हमारी शेडो, और उनकी ट्रॉफीज वगैरह सभी हैं हमारे पास। और ज़्यादातर मैं थोड़ा कम ही लगाता हूँ अपने डॉग को शो पे, क्योंकि देखिए जी मेरा कैनल बहुत बड़ा है, मैंने कोई भी लड़का नहीं रखा इस पर, और हम दोनों भाई मतलब के सभी काम हम दोनों, मेंटेनेंस A to Z और खाना दाना सब कुछ हम दोनों भाई करते हैं ना। जिस साइबेरियन हस्की की बात करें, लाइक वो कई कहते हैं ना कि नॉर्थ वाली साइड ये रह नहीं पाते, लाइक इनको ठंडा एरिया चाहिए। बिल्कुल भैया ऐसा है, ये तो कहने की बात ही है, ठीक है। अभी ये ठंड में सर्वाइव नहीं करते ये वो, ठीक है। हमारे जो भी डॉग्स हैं, ठीक है, वो सभी कूलर के और पखे के नीचे सोते हैं। जैसा हम इनको मतलब के शुरू से रखेंगे वैसे ही ये अडेप्ट कर लेते हैं। लाइक जो आपके पास जो थाईलैंड से इंपोर्ट डॉग है उसको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। हाँ, वो ऐसा है जी, वो थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी मतलब के बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो एसी में रहता है, उसका जो कोट है वो वूली कोट में है जी। ओके ठीक है, मतलब जो स्टैंडर्ड कोट में आते हैं वो थोड़ा सा, उनके जो फर होता है वो थोड़ा सा कम होता है, इसलिए उनको मतलब के सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके ठीक है, और जो वूली कोट में है वो थोड़ी सी ज़्यादा वो एसी में रहता है ज़्यादा। ओके ठीक है, गर्मियों में। और जो इनकी डाइट है भैया, वो डाइट हम सीजनली चेंज करते रहते हैं। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या कंसीव की है उसकी अलग डाइट रहती है, ठीक है। जो डॉग शो पे लगाते हैं उनकी अलग डाइट रहती है, ठीक है। जिससे हमने ब्रीडिंग करवानी होती है मेल की अलग डाइट रहती है, जो स्टड सर्विस। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बता दीजिए कि डाइट में क्या कुछ डालते हो? लाइक डाइट में ऐसा है जी, हम डॉग्स को ग्रीन वेजिटेबल्स भी देते हैं, फीड भी देते हैं, दही लस्सी भी देते हैं, ठीक है जी। और चावल चिकन भी मिलते हैं, मीट वगैरह या चिकन वगैरह नहीं डाल पाते, लाइक वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन डाइट भी इनको चल जाती है? हाँ बिल्कुल भैया चल जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है भी अच्छी डॉग ग्रोथ कर लेता है, अगर हम चिकन नहीं डालते और वेजिटेरियन बंदा उसको मल्टीविटामिन कैल्शियम प्रॉपर दे सकता है। ओके ठीक है, और डॉग को बल्की बनाने के लिए और भी बहुत सप्लीमेंट प्रोडक्ट आते हैं बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी के, लाइक बॉर्न बिल्डर हो गया, बूस्टर वगैरह, मल्टी विटामिन आते हैं, न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं। कोट की इनकी कोट कैसे मेंटेन करना चाहिए? भैया कोट ऐसे है जो मैं पर्सनली शैम्पू यूज करता हूँ इनके लिए, वो है प्रो कोट, सिडजू गोल्डन रिट्रीवर हस्की और चाओ चाओ का जो फर होता है वो ज़्यादा होता है, और उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए हम प्रो कोट शैम्पू यूज़ करते हैं। रोज़ कॉम्बिंग करना पड़ता है, और हम इनको मल्टी विटामिन भी दे सकते हैं इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, बालों की ग्रोथ। ओके ठीक है, कॉम्बिंग तो मस्ट है, मतलब करना चाहिए, कॉम्बिंग मस्ट है जी। जो इनका कोट होता है ये सीजनली अपना कोट शेड कर देते हैं हस्की, ठीक है जी। और मैं आपको इनको इनके बच्चे भी दिखाता हूँ, आइए भैया। ये प्यारे प्यारे पपीस, और ये देख सकते हो इनकी भी आइस ब्लू है ना, है ना पाजी? ओके, और पाजी थोड़ा सा कलर के बारे में थोड़ा सा बताओ, ये कलर कौन सा आ गया? ये कॉपर आ गया ना? हाँ, ये डार्क कॉपर में है, लाइट कॉपर भी आता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, लाइट ब्लैक एंड व्हाइट भी आता है, ग्रे व्हाइट भी आता है, ठीक है, और एक व्हाइट भी आता है ना, प्योर व्हाइट कलर, स्नो व्हाइट कलर में। ऐसा ही स्नो व्हाइट की थोड़ी सी डिमांड कम है, इसलिए मैंने उसकी प्रोड्यूसिंग मतलब की नहीं है, और ज्यादातर हमारे डार्क कॉपर व्हाइट और यही कलर अच्छा लगता है, यही मेरे को प्यारा लगता है। ओके, और क्या डिमांड कर रहे हो पपीज की आप? जो है जी अलग अलग रेट है हमारा, ठीक है जी। जो कोबरा के बच्चे हैं या बादशाह के बच्चे का अलग रेट रहता है, कोबरा के बच्चे का अलग रेट रहता है, और जो हमारा ओरियो है उसके बच्चों का अलग रेट रहता है। वो ना ब्लड लाइन करता है जी, क्वालिटी में, इनके कोट में, आइस कलर में, प्राइस रेंज की मतलब के अलग अलग वो रहती है। ओके ठीक है, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, तो मेरी ऑडियंस आपको कॉन्टैक्ट कर सकती है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7973824039। ओके, तो आप पाजी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऐसे प्यारे प्यारे पपीज लेने के लिए। देख लो गाइस काफी ज्यादा प्यारे हैं ये, अभी हो चुके हैं जी 20
सेवन डेज ओल्ड पपी हो चुके हैं ये। ओके ठीक है ना भैया, आप ओवरव्यू भी दिखा दे हमारे। ओके सो गाइस ये देख सकते हो, ये इनकी फीड पड़ी है ना डॉग्स की आपकी, ये देख सकते हो पाजी के पास फुल स्टॉक है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ऐसा है स्टॉक तो मेरे पास आता जाता ही रहता है ना, दो हफ्ते के बाद नया स्टॉक आ जाता है। ये हमारे पास जो भी कैनल विजिट करके पपी लेके जाता है, मदर फादर देख के लेके जाता है बच्चे, ठीक है। मेन बात यही होती है, जो ब्रीडर आपको अपने कैनल पे नहीं लेके जाता, मदर फादर नहीं दिखाता, ठीक है, तो समझो उसका काम नहीं है, उसने आगे से उठा के बच्चा दे दिया आपको। ओके ठीक है, अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए आप मदर फादर प्रॉपर देखें और उसके मदर के नीचे से बच्चा उठा के लेके जाए। लाइक है ना सारा, लाइक मैंने आपको कैनल का विजिट करा दिया कि कैसे आपने डॉग्स रखे हुए हैं। लाइक ना मेरी ऑडियंस में भी अगर किसी ने पपी और कोई लीटर का चलो लेना और ब्रीड का लेना है, लाइक उनको सबसे पहले है ना डॉग्स के पपी के मदर फादर मस्ट है, मस्ट है देखने चाहिए भी, मतलब कैसे कंडीशंस में रखा है, कैसे है कि कुछ हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, ठीक है। मतलब ये पाजी की लाइक है ना, पाजी डाइट प्लान भी देते हैं, ये पाजी मुझे अच्छी बात लगी ये। हाँ बिल्कुल ऐसे है भैया, जो भी मेरे पास कैनल विजिट करके यहाँ से पपी लेके जाता है उसको मैं अपनी तरफ से बढ़िया जो भी हमारा स्टॉक है वो मैं डिस्काउंट पे देता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है, मैं उसको अच्छी मतलब के ट्रेनिंग देता हूँ डॉग को। ओके मतलब बताते हो सारी चीजें। हाँ डॉग को ट्रेनिंग देके रखता हूँ पोटी की और खाने पीने की, और सेकंड बात ये है जो कस्टमर यहाँ पर आता है उसको मैं फीड प्लान अपनी तरफ से पूरा बढ़िया बना के देता हूँ।